हेलो गाइस, मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स का चैप्टर 73 आ चुका है। पर लास्ट चैप्टर और इस चैप्टर में 2 महीने का गैप है, तो लास्ट चैप्टर को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। लास्ट चैप्टर में शियोरी काउंसलर के साथ दूर के यूनिवर्सिटी जाने के बारे में डिस्कस कर रही थी। फिर वहाँ अकारी आई थी और उसने उसके साथ भी अपना ये प्लान शेयर किया था, और अकारी को टीचर से डांट पड़ी थी तो उसे रियलाइज हुआ था कि वो जीरो की स्टडी के बीच में आ रही है। इसीलिए विंटर वेकेशन में उसने अपने पेरेंट्स के घर पे रहने का डिसाइड किया था। अब उसे अपने पेरेंट्स के घर रहते हुए 1-2 दिन बीत चुके थे, और न्यू ईयर की सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले अकारी जीरो के होम टाउन आती है उससे मिलने के लिए। वो दोनों सुबह सुबह मिलते हैं। अकारी कहती है, मुझे बहुत नींद आ रही है। जीरो कहता है, तुम्हारा इतनी सुबह आना मिराकल से कम नहीं है, और सुबह सुबह ठंड भी थोड़ी ज्यादा थी। तो वो टाइम गवाए बिना आगे बढ़ने लगते हैं। अकारी उसे न्यू ईयर विश करती है और एक और ईयर साथ बिताने को कहती है। जीरो भी उसे पूरे दिल से हैप्पी न्यू ईयर विश करता है, और दोनों श्राइन जाने लगते हैं। आज सुबह सुबह भी श्राइन में बहुत ज्यादा भीड़ थी, और अकारी सूरज की पहली किरण देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, और ये उसका पहली बार था जब वो पहली किरण निकलते हुए देखने वाली थी। जीरो कहता है, हम लकी हैं कि आसमान बिल्कुल साफ है, हम अच्छे से देख पाएंगे। और फिर हम एक रात पहले का सीन देखते हैं। अकारी ने जीरो को कॉल किया था। वो पूछती है, तुम क्लास तो नहीं ले रहे थे? जीरो कहता है, नहीं, मैं तो लिविंग रूम में चिल कर रहा था। तुमने मुझे डरा दिया, तुम कॉल करने से पहले मैसेज भी तो कर सकती थी। अकारी कहते, तुम नर्वस हो गए? अच्छा सुनो, चलो कल न्यू ईयर पे श्राइन चलते हैं। मुझे पता है तुम्हारी क्लासेस है, पर बस थोड़ी देर के लिए। तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे होम टाउन भी आ जाऊंगी। जीरो मान जाता है। वो कहता है, तुम सच में आ रही हो, मुझे खुशी होगी। और इस तरह उनका प्लान बना था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। श्राइन में भीड़ होने की वजह से अकारी को गर्मी लग रही थी, और उसने बहुत ज्यादा मोटा जैकेट पहना हुआ था। वो कहती है, ये मेरी गलती है कि मैंने इतनी मोटी जैकेट पहनी। वो अपने जैकेट को शोल्डर से नीचे कर लेती है। जीरो कहता है, तुम्हें गर्मी लग रही है? अकारी कहती है, तुम्हें नहीं लगता थोड़ी सी स्किन दिखाने से मैं क्यूट लगूंगी? जीरो कहता है, हम घर पे नहीं है। अकारी कहती है, इतनी भीड़ में कौन ही देखेगा, सब सूरज की पहली किरण देखने में बिजी होंगे, और वैसे भी थोड़ी देर की तो बात है। जीरो उसे अपना जैकेट दे देता है। अकारी कहते, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? जीरो कहता है, ठीक है तो वापस दे दो। अकारी कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं पहन लेती हूँ, थैंक्स। और वो उसे अपना स्कार्फ दे देती है और कहती है, इस तरह तुम भी गर्म रहोगे। जीरो को शर्म आ रही थी। तभी सूरज निकलता है और सब उसे ही देखने लगते हैं। अकारी को यह बहुत सुंदर लगता है। वो कहती है, हम अगले साल भी एक साथ यहाँ आएंगे। जीरो सोचता है, पता नहीं फ्यूचर में हम कहाँ होंगे, किसे पता, उस टाइम से सब कुछ कितना बदल गया है। अब हम दोनों फ्यूचर में एक ही चीज चाहते हैं। अब सनलाइट डायरेक्ट उनकी आंखों में पड़ने लगी थी। अकारी कहते हैं, क्या यहाँ आसपास कोई शॉप है? जीरो कहता है, दोपहर से पहले कोई शॉप नहीं खुलती। तभी उसे आवाज आती है, वो उस लड़की के साथ जीरो ही है ना? जीरो उन्हें देखता है, वो उसके मिडिल स्कूल के दोस्त थे। अकारी जीरो के पीछे छुप जाती है। हिरोटो कहता है, याद है कि भूल गए? दूसरा लड़का कहता है, याद ही होगा, 3 साल ही तो हुए हैं। जीरो कहता है, 3 साल हो गए हैं, बिना यूनिफॉर्म के तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हिरोटो कहता है, स्कार्फ अच्छा है। अकारी कहते हैं, तुम इसके दोस्त हो? उसे पता चलता है वो मिडिल स्कूल से दोस्त हैं, और दोनों दोस्त ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि एक लड़की जीरो के साथ है। अकारी खुद को जीरो की क्लासमेट बताती है और पूछती है, जीरो का मिडिल स्कूल कहाँ है? हिरोटो शर्माते हुए कहता है, कुछ खास नहीं था। अकारी उससे एक और क्वेश्चन पूछने जा रही थी, पर तभी वो जीरो के पीछे छुप जाती है। जीरो उसे देखने लगता है। अकारी कहती है, क्या हुआ? वो कहता है, तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है। हिरोटो जीरो से पूछता है, तुमने भागना छोड़ दिया है ना, कितने शर्म की बात है। यूनिवर्सिटी में जाकर दोबारा ट्रैक क्लब ज्वाइन कर लेना, हम दोनों किसी यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हैं, इसे मेरी एडवाइस समझना। दूसरा दोस्त कहता है, किसी दिन हम फिर दोबारा साथ में भागेंगे, और जिनको कंफ्यूजन हो रही है मैं बता दूं, यहाँ ट्रैक पे भागने की बात हो रही है, स्कूल या कॉलेज बंक करने की नहीं। जीरो को पुरानी बातें याद आती है, जब हिरोटो ने उसके बारे में सीनियर को कुछ बताया था जो जीरो नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो हिरोटो पे गुस्सा हुआ था, और सीनियर को जीरो एक्साइटिंग लगा था। फिर उसे मीनामी के साथ वाली बात याद आती है, जब उसने मीनामी को कहा था, तुम्हें मेरे बारे में जो कहना है कहो, पर शियोरी को बीच में मत लाओ। और दूसरे फ्लैशबैक में उसका दूसरा दोस्त कह रहा था, तुम अच्छा बनने का बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हो, पर तुम दिल से ऐसे नहीं हो, तुम खुद को सीरियस दिखाते हो, तो फिर अकामा सेंसे पे ध्यान क्यों दे रहे हो? गाइस, अकामा के बारे में अभी हमें कोई भी जानकारी नहीं है। होप सो आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जीरो कहता है, अब तुम्हें मेरे साथ भागने में मजा नहीं आएगा। उसके दोस्त ये सुनकर निराश हो जाते हैं, और फिर उन्हें श्राइन विजिट करने की लाइन दिखती है, और वो चले जाते हैं। अकारी कहते हैं, तुम ट्रैक क्लब में थे, तुम तो बहुत फास्ट हो गए ना? जीरो कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही, मुझे कुछ खास याद नहीं है। अकारी उसका हाथ पकड़ के उसे श्राइन चलने को कहती है। दोनों श्राइन में जाते हैं और विश मांगते हैं।
अकारी मांगती है वो हमेशा जीरो के साथ रहना चाहती है। वो सोचती है कि जीरो ने एग्जाम में पास होने की विश मांगी होगी। हमने जिस लाइट का इतने टाइम वेट किया वो बहुत ब्राइट थी। इसने हमें वो चीजें दिखाई जो हम नहीं देख पाए या जो हम ना देख पाने का दिखावा कर रहे थे। यहाँ तक कि जब रात रोशनी पे हावी होती है तब भी हमने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। हम एक दूसरे के बुरे वक्त में परछाई की तरह साथ रहे। मैं चाहती हूँ जीरो जो भी मांगे वो पूरा हो जाए। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए टेलीग्राम ज्वाइन होना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।